कलेक्ट्रेट में पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के साथ अभद्रता करने वालों पर मामला दर्ज। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आईटी सेल संदीप पांडे सहित 9 लोग हुए नामजद। हम आपको बता दें कि बीते दिवस कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपने आए लोगों के द्वारा पुलिस कर्मियों सहित अधिकारियों से अभद्रता करने के आरोप में तकरीबन दर्जन भर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आपको बता दें कि बीते दिवस 1 बजे के करीब वार्ड क्रमांक 9 के कुम्हारन बस्ती से ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया था। वहीं बीच बचाव व समझौते की बात कर रहे अधिकारियों के साथ भी उन्होंने अभद्रता की। आरोप है कि पुलिसकर्मी की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में तकरीबन दर्जन भर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 9 कुम्हारन बस्ती में जल भराव के कारण कुछ लोगों के घर प्रभावित हुए थे, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ अपनी माओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां गेट में ही आक्रोशित लोगों के साथ पुलिस की भिड़ंत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिसकर्मी की शिकायत पर पुलिस वालों के साथ झड़प हुई और मारपीट करने सहित अधिकारियों के साथ अभद्रता करने के आरोप में पुलिस ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में प्रस्तुत है थाना प्रभारी सिविल लाइन ओंकार तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्यूटी पर तैनात सैनिक के द्वारा रिपोर्ट करने पर 5-6 लोग नामजद हैं, शेष 8-10 लोग अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। क्या मामला दर्ज हुआ है सर? 353, 147, 188 और महामारी अधिनियम के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।